दिल्ली में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी रात के वक्त खुद गश्त ले रहे हैं और सड़कों पर उतरे हैं। बाहरी उत्तरी दिल्ली के DCP गौरव शर्मा दल बल के साथ अलग अलग एरिया में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और इसी दौरान वो बाहरी उत्तरी दिल्ली के साथ साथ उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की भी गश्त कर रहे हैं। दोनों जिलों का चार्ज फिलहाल गौरव शर्मा DCP के पास है। इसी दौरान वो बवाना की JJ कॉलोनी में भी पहुँचे। ये भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। इन इलाकों में दिल्ली पुलिस की टीमें पहुंच रही है। काफिले के अंदर सबसे आगे मोटरसाइकिलों पर पुलिसकर्मी, उसके बाद एरिया के दूसरे पुलिस अधिकारी, तो उनके साथ साथ DCP खुद काफिले में चल रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। साथ ही लोगों को समझा रहे हैं कि जो नागरिकता कानून है उसका भारत के लोगों पर कोई असर नहीं होगा। भारत के लोगों से नागरिकता कानून का कोई मतलब नहीं है, कोई असर नहीं होगा। फिर भी इस बारे में आकर यदि कोई इंसान उनको भड़काता है, किसी भी तरह की कोशिश करता है, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। और बहकावे में आकर यदि किसी ने गलत कदम उठाया तो उसके साथ भी पुलिस सख्ती से निपटेगी। ये साफ संदेश दे दिया है DCP ने। और एरिया में जाकर खुद गश्त कर रहे हैं DCP। और किसी की कोई बात तो नहीं? चलिए ठीक है। एक ही चीज ध्यान रखना है, देश हमारा है और हम देश के हैं, बस इसके अलावा कोई नहीं है। अब दुकान है अपने, इसके प्रावधान पता किसी को पता है तो बताए हाथ खड़ा करके। मालूम जी, यहाँ के रहने वाले किसी आदमी पे किसी आदमी का कोई संबंध नहीं। ये अपनी पार्टियों की राजनीति है, जो भी अच्छी बुरी बात है इसमें आप लोगों को शामिल नहीं होना। आप समझ गए? नहीं समझ गए? नहीं तो मेरी बड़ी साफ हिदायत है इसके अंदर, जब आपकी कोई बात सही होती है आपके साथ हम हर जगह खड़े होते हैं। अगर किसी भी आदमी ने मेरे इलाके के अंदर शांति भंग करने की कोशिश करी तो बिल्कुल कार्रवाई वैसी होगी जैसी कार्रवाई आज तक यहाँ होती आई है। आप समझ रहे मेरी बात को? और मैं